हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूआरईटी की 2023 से संबंधित जो पेज सेकंड के बाद में की आगे की जो प्रोसेस है वो क्या रहती है। आपके कुछ बहुत सारे सवाल है, कुछ फाइनल जो मेरी लिस्ट है फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी, उसके बाद उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी इस वीडियो में बताई जाएगी। कितनी लिस्ट आती है, पर लिस्ट तो आएगी, उसके बाद में भी कितनी लिस्ट आती है, 3 लिस्ट आती है 4 लिस्ट आती है पूरी डिटेल्स में बता देगा। क्या डायरेक्ट प्रवेश भी आप ले सकते हो, बिना इंटरस एग्जाम के भी आप क्या उसमें प्रवेश ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, इसमें भी कुछ बातें बताई जाएगी। लिस्ट आप कहां से, लिस्ट आने के बाद में आप उस लिस्ट को कहां से देख सकते हो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पूरी इन्फॉर्मेशन कॉलेज से संबंधित आपको मिलती रहेगी। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनल जो मेन लिस्ट है हमारे 4 अंक को क्या हो गए थे, पूरे फॉर्म सबमिट कर दी गई थी, कॉलेज में 8 कॉपी जमा करा दी गई थी 4 अगस्त को। अब जो लिस्ट आने वाली है वो कब तक आएगी, लिस्ट है वो 10 अगस्त से लगभग 15 अगस्त के बीच में आपको क्या मिलेगी, देखने को मिलेगी 10 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी साइड पे। ये लिस्ट आप साइड से भी देख सकते हैं, URETC की जो साइट है वहां से क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से अगर आप नहीं देख पाते हो तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग पर भी क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब लिस्ट कितनी आती है, लिस्ट है वो लगभग 3 लिस्ट आती है लेकिन 3 लिस्ट है वो हर सब्जेक्ट की नहीं आती है, हर सब्जेक्ट की जो है वो 2 ही लिस्ट आती है, हर सब्जेक्ट की 3 लिस्ट नहीं आती है, हर सब्जेक्ट की 2 लिस्ट आती है। वो कब डिसाइड होता है, जब लिस्ट सेकंड आ जाती है और उसके बाद में सीट फिल पूरी फिल हो जाती है, यानी कुल फिल हो जाती है सीट, उसके बाद में अकॉर्डिंग होगा कि किस विषय की कितनी लिस्ट आती है। तो जो 2 लिस्ट तो सभी विषय की आएगी, उस विषय ऐसे भी हो जाते हैं जिनमें 3 लिस्ट आने के बाद में भी क्या हो जाती है, सीटें खाली रह जाती है। तीसरी लिस्ट आने के बाद में भी अगर सीटें खाली रह जाती तो उन सीटों पर किस प्रकार से एडिशन होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आप देखना 3 लिस्ट तो सभी विषय की आती है, मैथ की ज्योग्राफी की इनकी लगभग 3rd लिस्ट आती ही आती है, लेकिन कुछ विषय हैं जैसे एमकॉम के अंदर भी है, आर्ट्स के अंदर भी है, उनकी 3rd लिस्ट नहीं आती है। तो 2nd लिस्ट आने के बाद में पता चल जाएगा कि 3rd लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे जैसे लिस्ट आएगी तब। तो ध्यान रखना आप, बहुत सी 3 लिस्ट आती है, फिर भी क्या रहती है कुछ सीटें खाली रह जाती है, लगभग 2 से 3 सीटें खाली रहती है, उसमें किस प्रकार से एडमिशन होगा, उसमें जो एडमिशन होता है वो आपको डायरेक्ट एडमिशन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट किस प्रकार से एडमिशन मिलेंगे, डायरेक्ट एडमिशन किस प्रकार से लगेगी, जिस प्रकार से आप प्राइवेट कॉलेज है उनमें क्या करते हो एडमिशन लेते हो, प्रवेश लेते हो, तो उनमें क्या होता है फीस लगती है हमारी, क्या लगती है हमारी फीस लगती है, फीस तो यहाँ भी लगती है लेकिन यहाँ बहुत ही कम लगती है, और वो फीस क्या रहेगी बहुत हाई रहती है, तो उसमें भी क्या रहती है वो फीस क्या रहेगी बहुत ही हाई रहेगी। और जो डायरेक्ट एडमिशन है वो किन विषयों में होता है, सभी विषयों में नहीं होता, 3rd लिस्ट आने के बाद में भी कुछ सीटें खाली रह जाती है, लगभग 2 से 3 सीट खाली रहती है, तो लगभग हर विषय में क्या रहता है 2 से 3 सीट खाली रहती है, तो उनमें जो एडमिशन होता है वो आपको क्या मिलेगा, फीस जो हाई फीस लगेगी लगभग पर सेमेस्टर के लगभग 25 से 30 हजार रुपए तक लगती हैं, पर सेमेस्टर के 25 से 30 के तक क्या लगेंगे पैसे लगेंगे, तब जाके उस फीस में क्या होगा हमारा एडमिशन हो पाएगा, और वो लगभग सभी विषय में 2 से 3 सीट तो खाली मिल जाती है। अगर आप लिस्ट कहां से देख सकते हो, लिस्ट आपको मैंने बता दिया टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, या URETC 2023 आप जैसे सर्च करोगे तो वहां से आपको मेन साइट मिलेगी, उस मेन साइट से जाके आप क्या बोल रहे लिस्ट मिलेगी, लिस्ट आप सब्जेक्ट वाइज लिस्ट मिलेगी, और लिस्ट किस प्रकार से तैयार होगी, लिस्ट जब वो तैयार होगी आपकी 30% प्लस 70% के अकॉर्डिंग तैयार होगी, जो 70% का जो स्कोर कार्ड था वो हार्ड कॉपी, और उसके बाद में जो आप 20 से 25 सेकंड के अंदर फाइनल की जो मेन लिस्ट जमा करवाए हो उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनेगी। लिस्ट में आपका नाम रोल नंबर आएगा और किस सब्जेक्ट से लिए पूरी डिटेल आएगी, कैटेगरीज वाइज क्या मिलेगी लिस्ट मिलेगी आपको, कैटेगरी वाइज यानी पहली जनरल फिर ओबीसी EWS, इस प्रकार से आपको उसमें कट ऑफ वाइज नाम रहेगा, हर सब्जेक्ट की अलग अलग लिस्ट निकल के आएगी,
फिर उसके बाद की जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट जमा कराने की वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट।